गुड मॉर्निंग डियर क्लास टू स्टूडेंट, वी आर इन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास एंड टूडे वी विल डू सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ लेसन 8, दैट इज कम्प्रिहेंशन, सेक्शन ए कम्प्रिहेंशन एंड सेक्शन बी वोकैबुलरी. टूडे we will solve these two section. बच्चों, हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में लेसन 8 का आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम लोग आज सेक्शन ए कम्प्रिहेंशन और सेक्शन बी वोकेबलरी करेंगे. तो देखिए, कम्प्रिहेंशन को देखिए क्या है. सर्कल ए और बी फॉर द करेक्ट आंसर. क्या कह रहा है कि ए या बी दोनों में से किसी एक को सर्कल करना है जो कि करेक्ट आंसर है. ए को सर्कल करना है या बी को करना है. जैसे देखिए, हु हैज सीन द विंड. एवरीवन हैज सीन द विंड. विंड को किसने देखा? हर कोई देख सकता है. या बी, नो वन हैज सीन द विंड. हमें पता है, हम लोगों में से कोई विंड को देखते हैं नहीं ना, तो क्या होगा? नो वन हैज सीन द विंड. किसी ने भी विंड को नहीं देखा है. तो इसे बी को हम सर्कल कर देंगे, गोला कर देंगे. उसके बाद टू है, व्हेन द लीव्स शेक वी नो. जब पत्तियां हिलती हैं हम जानते हैं. द विंड इज ब्लोइंग. द विंड इज ब्लोइंग. इन दोनों में से क्या होगा? बोइंग और ब्लोइंग. तो हम लोगों ने पढ़ा है द विंड इज ब्लोइंग. तो इसमें टू में ए सही है, इसे हम सर्कल कर देंगे. थर्ड में देखिए, व्हेन द विंड पासेस बाय द ट्रीज. जब हवा पास करती है तो ट्री क्या करती है? स्टैंड स्ट्रेट या बेंड डाउन. सीधा खड़ी रहती है या झुक जाती है? झुक जाती है, तो क्या होगा? बेंड डाउन. तो बी को हम सर्कल करेंगे. उसके बाद फोर्थ है, द हेड ऑफ ट्री का क्या मतलब है? द ट्रंक ऑफ द ट्री, ट्री का तना, वो मोटा हिस्सा होता है वो, या द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्री, या ट्री का ऊपर का हिस्सा. तो इसमें कौन होगा? बी होगा. तो हम बी को सर्कल कर देंगे, द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्री. उसके बाद देखिए, वोकैबुलरी है. वोकैबुलरी में बी है वोकैबुलरी. इसमें देखिए, बी वन, सर्कल द स्ट्रेंजर इन द फॉलोइंग सेट्स. इसमें जो अलग है उसे हमें सर्कल करना है. तो वन में देखिए, सन है, विंड है, एयर है. विंड एयर एक ही जैसा है, सन अलग है, तो इसे हम सर्कल कर देंगे. टू में देखिए, ट्रेम्बल, रन, शीवर. ट्रेम्बल और शीवर दोनों एक ही जैसा वर्ड है, चलना या धीरे धीरे शीवर करना एक जैसा वर्ड है. रन क्या है? अलग वर्ड है. तो रन को हम सर्कल कर देंगे. उसके बाद थर्ड है, बॉ, बेंड, ब्रेक. बॉ और बेंड एक ही सिमिलर साउंड का वर्ड है, मतलब सिमिलर मीनिंग का वर्ड है, सिनोनिम है. तो इसमें ब्रेक अलग है, ब्रेक को हम सर्कल कर देंगे. उसके बाद फोर्थ देखिए, दियर, हियर. ये देयर, हियर एक जैसा है, सिम तो बता रहा है यहाँ वहाँ जो भी, लेकिन हियर ये सुनना, ये अलग वर्ड हो गया. तो इसे हम सर्कल कर देंगे. हियर, एच ई आर, हियर ये क्या हो जाएगा? सर्कल हो जाएगा. उसके बाद फिफ्थ है, ऑल, ईगल, बैट. देखिए, ऑल और ईगल, ऑल, ईगल, बैट. ऑल और बैट
ये दोनों, इसको क्या करूँ, ऑल और ईगल दोनों एनिमल है, जबकि बैट, बैट से हम यहाँ खेलने का सामान लेंगे। बैट मीन्स वैसे चमगादड़ भी होता है, लेकिन हम खेलने का सामान लेंगे। इस तरह से ये बैट सर्कल होगा, बैट अलग वर्ड है, ठीक है। एक इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इसमें एक और ये हो सकता है, जैसे ऑल और बैट ये दोनों शॉर्ट एनिमल, स्मॉल एनिमल है, जबकि ईगल बड़ा एनिमल है, तो ईगल भी हो सकता है। लेकिन हम ये बैट को सर्कल, यहाँ बैट को ही सर्कल करते हैं, क्योंकि हम एक खेलने की चीज़ मान करके चल रहे हैं। क्रिकेट में बैट होता है, वो बैट को हम मान के चलते हैं। तो ये दोनों एनिमल हुआ, ये इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट, एक ये एक दूसरे खेलने का सामान हो गया। उसके बाद सिक्स देखिए, रेनी, ग्रासी, स्टॉर्मी। रेनी और स्टॉर्मी ये दोनों एक जैसा वर्ड है, सिनोनिम है, जबकि ग्रासी ये डिफरेंट है, तो ग्रासी को हम सर्कल कर देंगे। उसके बाद बी टू देखिए, मेक एडजेक्टिव्स बाई एडिंग ing टू द वर्ब विद इन ब्रैकेट, देन राइट द एडजेक्टिव इन द ब्रैकेट। यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि ब्रैकेट में जो वर्ड दिया हुआ है उसमें ing लगा करके ये सारे वर्ड जो है, ये सारे वर्ड क्या है, वर्ब हैं, इसमें ing लगाकर एडजेक्टिव बनाइए और फिर उस वर्ड को इसमें लिखिए, ब्लैंक्स में लिखिए। तो फर्स्ट है ए, यहाँ क्या है, ट्विंकल, तो हम क्या लिख देंगे, ई, लास्ट में ई है उसको हम हटा देंगे और वहाँ पर ing लगा देंगे, ट्विंकलिंग। क्या हो जाएगा यहाँ, ए स्टार ट्विंकलिंग। और वैसे हम ing सब में लगाएंगे, ing जहाँ ई है ई को हटा करके ing लगाएंगे, और जहाँ ई नहीं है तो सीधे हम ing लगा देंगे। तो ए ट्विंकलिंग स्टार हो गया। ए यहाँ टॉक है, टॉक में ing लगा देंगे, टॉकिंग, ए टॉकिंग पैरोट। थर्ड है एन, एक्साइट है तो एक्साइटिंग हो जाएगा, एक्साइटिंग स्टोरी। फोर्थ है ए, यहाँ ब्रैकेट में डांस है तो डांसिंग हो जाएगा उससे, ए डांसिंग बियर। फिफ्थ ए लाफ है तो लाफिंग गर्ल। तो इस तरह से इसमें क्या हो, ए ट्विंकल, फर्स्ट में ए ट्विंकलिंग स्टार होगा, सेकंड में ए टॉकिंग पैरोट होगा, थर्ड में एन एक्साइटिंग स्टोरी होगा, फोर्थ में ए डांसिंग बियर, और फिफ्थ में ए लाफिंग गर्ल। तो आज हम इतना ही रखेंगे, अगले क्लास में इससे आगे हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे। तो आज हम क्लास स्टॉप करते हैं। थैंक यू।